बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसके न्यूज़ टेक पे। आप सबके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है जो कि इग्नू से आ रही है। अगर आपने इग्नू में एडमिशन ली है तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं चाहे पीजी कोर्सेज कर रहे हैं तो इग्नू ने जो फाइनल डेट शीट थी उसे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि इग्नू आपके जो एग्जामिनेशन है वो कैसे कंडक्ट करवाएगी, उसका क्या टाइम टेबल रहेगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस इसमें दी गई हैं वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। आपके एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इससे पहले अटकलें लगाए जा रहे थे कि आपके एग्जामिनेशन इग्नू इस बार ऑनलाइन लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आपके जो एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन लिए जाएंगे। तो इस डेट शीट से जुड़ी जितनी भी जानकारी होगी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितनी भी अपडेट होंगे चाहे वो इग्नू के रिलेटेड होंगे, आपके एग्जाम रिलेटेड होंगे, हॉल टिकट के रिलेटेड होंगे, आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले टॉप पर आप देख सकते हैं डेट शीट फॉर जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो जहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं आप जहाँ पे देख सकते हैं फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट चाहे पीजी प्रोग्राम्स हैं जो कि बैकलॉग्स इफ एनी अगर किसी कोई फेलियर है तो उसका एग्ज़ाम भी जहाँ पे होने वाला है, जिसमें ग्रेजुएट डिप्लोमा, उसके बाद जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम फ्रॉम 3rd of August 2021। सबसे पहले आपके जो एग्जामिनेशन है वो 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। आमतौर पर जो इग्नू एग्जामिनेशन एक मंथ में अपने जो जून सेशन में जो भी लिए जाते हैं वो एक मंथ में कंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन इस बार जो आपका पूरे जो एग्जामिनेशन आपके कंक्लूड होंगे वो 36 डे में हो जाएंगे। इसका मतलब कि आपके 3rd अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और जो एंड डेट है वो 9th सितंबर तक आपके एग्जामिनेशन चलने वाले हैं। तो इसमें आपको जितने भी कोर्सेज होंगे उनके बीच में आपको थोड़ी छुट्टियां भी मिलेंगी। तो जहाँ पर सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे तो जहाँ पर सबसे पहले बताया गया है टू एनश्योर हेल्दी एंड सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट की हेल्थ और उनकी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी सोशल डिस्टेंसिंग COVID-19 को लेकर जो भी SOPs बनाई गई हैं उनको बड़ी सख्ती के साथ एग्जामिनेशन सेंटर पे फॉलो किया जाएगा। नंबर टू जहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू, कि स्टूडेंट्स को भी बोला गया है कि आपने भी जो COVID-19 की जितनी भी SOPs हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना, अपने हाइजीन को लेके, अपना सैनिटाइजर, प्रॉपर मास्क, आपने ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पे। उसके बाद जहाँ पे बोला गया है इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग COVID-19 सिनेरियो अक्रॉस द कंट्री, COVID-19 की सिचुएशन को देखते हुए जहाँ पे बताया गया है कि सम स्टूडेंट्स में नॉट गेट ए डिजायर्ड एग्जामिनेशन, कुछ बच्चों ने अपने मन चाहे जो एग्जामिनेशन सेंटर अपने जहाँ पे अप्लाई किए थे जो कि इग्नू के द्वारा ऐसी उनके लिए व्यवस्था नहीं हो पाई है, लेकिन फाइनली आपकी हॉल टिकट के ऊपर नियर बाय जो भी एग्जामिनेशन सेंटर होगा ऐसे स्टूडेंट को वहाँ पे अकोमोडेट करके आपके जो एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन लिए जाएंगे। नंबर फोर जहाँ पे कहा गया है एवरी डे एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन 2 सेशन, हर दिन जो एग्जामिनेशन होगा वो 2 सेशन में लिया जाएगा। एक सेशन मॉर्निंग में होगा जो कि 10 बजे स्टार्ट होगा और 1 बजे तक चलेगा, एक इवनिंग सेशन होगा जो कि 2 बजे स्टार्ट होगा और 5 बजे तक चलेगा। उसके बाद जो यहाँ पे बताया गया कि जो एक्चुअल एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन होगी वो आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा कि कौन से स्टूडेंट का कितने आवर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर 5 आप देख सकते हैं हॉल टिकट्स आर एलिजिबल स्टूडेंट्स विल बी अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट सून, जैसे ही यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी हॉल टिकट्स आ जाएंगी मैं आपको बता दूंगा कि आपने कैसे डाउनलोड करनी है और आपको अपने वीडियो के जरिए आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अपनी जो हॉल टिकट है बड़ी जल्दी इग्नू अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे उनको भी अपडेट करने वाली है। नंबर 6 यहाँ पे कहा गया इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट में नोट दैट देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ लास्ट मिनट चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ड्यू टू COVID-19 सिचुएशन, जहाँ पे बताया गया कि स्टूडेंट्स को फिर भी अलर्ट रहना है, आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो लास्ट मिनट में भी चेंज किया जा सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि COVID-19 की वजह से जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपको बताया गया है पहले जो बताया गया हो शायद वो नहीं हो, इसलिए आपने बिल्कुल अलर्ट रहना है कि कहीं पे भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद जहाँ पे बोला गया है इन सच कंडीशन यूनिवर्सिटी विल टेक एप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स, अगर ऐसा किसी कैंडिडेट के साथ होता है तो यूनिवर्सिटी उसके लिए भी जो रेमेडियल मेजर्स होंगे जो भी कदम होंगे वो यूनिवर्सिटी के द्वारा उठाए जाएंगे। The affected students are advised to be touch with their respective regional center. अगर कुछ ऐसा आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपने रीजनल सेंटर से आपने कॉन्टैक्ट में रहना है। नंबर 7 जहाँ पे आप कहा गया जहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर टू द क्वेश्चन पेपर विल बी ओनली एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम ऑफर्ड, जैसे कि आप जानते हैं कि जिस भी प्रोग्राम को आपने
चूज़ किया है उसकी जो भी लैंग्वेज होगी उसी में आपका जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा आपने आंसर उसी में देना है। यहाँ पे बताया गया है कि आंसर स्क्रिप्ट अटेम्प्ट इन एनी अदर लैंग्वेज, अगर आप किसी और लैंग्वेज में वहाँ पे आंसर दे देंगे तो आपकी जो एवेल्यूएशन है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको बताया तक नहीं जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है हाउएवर द स्टूडेंट हैव एन ऑप्शन, जहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस हैं जिन्होंने उस कोर्स के लिए चाहे वो इंग्लिश मीडियम उन्होंने चूज़ किया है वो उस क्वेश्चन पेपर के जो आंसर है वो हिंदी मीडियम में भी दे सकते हैं, अगर आपने हिंदी में चूज़ किया है आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश के लिए आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ पे रखी गई है। नेक्स्ट जहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेट एंड सेशन ऑफ द एग्ज़ाम विल नॉट बी एंटरटेन्ड इन केस, तो यहाँ पे बोला गया कि आपका कोई भी डेट और सेशन को चेंज करने का जहाँ पे कोई भी प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट आप नीचे आएंगे तो जहाँ पे आप देख लीजिए जहाँ पे कंप्लीट बताया गया कि क्वेश्चन पेपर्स फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम कोर्सेज विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि आपके OMR बेस्ड आपके एग्जामिनेशन होंगे वो कोर्स जहाँ पे बताए गए हैं जैसे प्रोग्राम है और जो कोर्सेज हैं जैसे BDP बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, इस तरह से आप कोर्सेज जहाँ पे देख सकते हैं इनके जो सब्जेक्ट हैं आगे उनके कोड दिए गए हैं जिनके जो एग्जामिनेशन है वो OMR बेस्ड होंगे, इसी तरह से आप इन सब को देख सकते हैं। मैं इस डेट शीट को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, इसकी PDF आप आसानी से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे आपको ये मेरी PDF मिल जाएगी, आप इस PDF को डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। जितने भी प्रोग्राम जो कि इग्नू के द्वारा जहाँ पे ऑफर किए जाते हैं उन सभी के कोड जहाँ पे हैं तो आपने जहाँ पे देख लेना है। नेक्स्ट आप जहाँ पे देखेंगे आप जहाँ पे देखिए फेस जो फर्स्ट फेज़ है जो कि आपके 3rd of August 2021 से स्टार्ट हो रहे हैं, मॉर्निंग सेशन में जो एग्ज़ाम होगा वो 10 से 1 बजे तक होगा, जितने भी कोर्सेज हैं वो आप जहाँ पे देख सकते हैं, आपने ध्यान से देख लेना कि आपका कौन सा कोर्स है, अगर आपका इसके बीच में फॉल करता है तो आपका एग्जामिनेशन 10 से लेके 1 बजे के बीच में होने वाला है। इसी तरह इवनिंग सेशन के जितने कोर्स कोड हैं वो भी जहाँ पे बताए गए हैं, आपने जहाँ से एक हिंट के तौर पे आप इसको देख सकते हो फर्स्ट फेज़ सेकेंड फेज़ जिस तरह भी आपका डेट होगी जहाँ पे बताया गया होगा कि जिस भी डेट को आपका कौन से कोर्स का एग्जामिनेशन होने वाला है, इस तरह से आप उनको देख सकते हैं। फाइनली जैसे ही आपकी हॉल टिकट आएगी सारी क्लैरिफिकेशन आपको वहाँ से हो जाएगी, क्या टाइमिंग है, आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है, तो फर्स्ट फेस में आपका होगा सेकंड फेस में, वहाँ पे जितनी भी क्लैरिफिकेशन होगी वो सारी की सारी आपको हॉल टिकट से हो जाएगी, जो कि बहुत जल्दी इग्नू जो है अपनी वेबसाइट पे उनको अपडेट कर देने वाला है। तो इस तरीके से आप इस पूरी कंप्लीट डेट शीट को देख सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आपके मन में कोई क्वेरी है आप मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को रेज करें, डेफिनेटली मैं आपकी इसके ऊपर देख सकते हैं। 9th of September 2021 जो कि लास्ट एग्ज़ाम जहां पे इग्नू के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, तो जहां पे मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो आपके एग्जामिनेशन की एंड डेट है वो 9th September रहेगी। इसके नीचे भी पूरी क्लैरिफिकेशन दी गई है कि आपका जो एग्जामिनेशन की जो ड्यूरेशन है वो आपके क्वेश्चन पेपर पे मेंशन होगी कि आपका एग्जामिनेशन 2 आवर का है, 1.5 आवर का है, जो भी होगा वो आपके कोर्स कोड के अकॉर्डिंगली होगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल रही होगी। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सो दैट मैं इसी मोटिवेशन के साथ आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में।